दौलत की हवस इंसान को किस हद तक नीचे गिरा देती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस दुनिया में जीना और न्याय के लिए लड़ना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने इरादे से नहीं था, हालांकि मैं ये भी जान चुकी हूँ कि जस्टिस लॉ, सुधा, कर्म और छोटा भाई को मिलकर अपने बचाव के लिए मुझे कभी भी मार सकता है। झूठ बोलने की कीमत दे सकता है तो तुम्हें भी तो चुप रहने की कीमत देनी चाहिए। और हम तो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं सच। अरे बात तो हमारे भेजा में आया ही नहीं कि तुम इतना तमाशा काहे कर रहे हो। ये तो सुधा जी ने बताया हमका कि तुम जैसे लोग पैसा ऐसे नहीं मांगते हो, अपनी ईमानदारी का ड्रामा करके मांगते हो। बताओ कितना पैसा चाहिए? मुझे खरीदने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जब अब इन सबको खरीद सकता हूं तो तुम क्या चीज हो आए? निशा, ठाकुर तुम्हें एक दिन में इतनी दौलत दे देगा जितनी तुम सारी जिंदगी प्रेस रिपोर्टर बनकर नहीं दोगे। खुश हूं मैं ऐसी दौलत पर। तुम लोगों ने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरा मुंह इस तरह से बंद करोगे? अरे तो कोई दूसरा तरीका बता दीजिए निशा जी आपका मुंह बंद करने का। या आप कहें तो हम आपके साथ वही करें जो सीमा जी के साथ किया। तो ठाकुर से छोड़ दो। अरे मरती है तो मर जाए। मार डालो लेकिन हार नहीं मानूंगी। ठाकुर ऐसा पागलपन मत करो। अरे जब नहीं मानते तो क्या करें जजवा? इतना गुस्सा ठीक नहीं है ठाकुर। साली की बात चलती है। क्रोध से नहीं, इसे शांति से समझाना होगा। आप दोनों घर जाइए, मैं इसे अपनी तरह से समझा दूंगी। एक औरत ही औरत को समझा सकती है। हाँ आप लोग जाइए, मियां सुधा जी के साथ रुकता हूँ। इसका मामला तो सुलटाना ही पड़ेगा। छोटे ठाकुर, सिर्फ मामले को सुलटाना, इसे नहीं, समझ गए? स्वयं की दुश्मन बन रही हो निशा। निशा मान जाओ, ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। Get lost from here। मैं तुम जैसी बाजार औरत से बात करना ना चाहूंगी। चुप हो जाओ। ठाकुर ये ऐसे नहीं मानेगी।